यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और हम इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। दोस्तों नमस्कार, आज मैं इस वीडियो में वादे के अनुसार आपके सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन की शक्ति के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए सकारात्मक रहेगा, आपकी सफलता में सहायक होगा। इमर्सन ने कहा था कि सामान्यतः सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व में एक ही मन होता है। हमारे और आपके जन्म के पूर्व मंदिर मस्जिद गिरजाघर और इस दुनिया के अस्तित्व के आने से पूर्व आपके अवचेतन मन की जो चमत्कारी की कार्य शक्ति है उसका अस्तित्व था। अब इस प्रकार यह एक महान शाश्वत और जीवन का सिद्धांत और शाश्वत सत्य जो सभी धर्मों से पूर्व ये घटित हो चुका था और इन सब मन के विचारों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे मन के विचार हैं, जो हमारे अवचेतन मन की शक्ति है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसी अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाली शक्ति जो मानसिक और शारीरिक जख्मों को भर देगी, जो डर से भरे हुए मन को आजादी दिलाएगी, जो आपको गरीबी, हार, परेशानियों, हताशा और कमियों से पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाएगी, आपको करना केवल ये है कि अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानना है। और जो आप सोच रहे हैं, जो अपने पैसे के लिए सोच रहे हैं, अपने आर्थिक सफलता के लिए सोच रहे हैं, अपने स्वास्थ्य निरोगी शरीर के लिए सोच रहे हैं, अपने परिवार के लिए सकारात्मक चीजें सोच रहे हैं, उसे उन अच्छाइयों को जिसे आप चाहते हैं उन्हें जोड़ना शुरू कर दें अपने अवचेतन मन की शक्ति के साथ। उसके बारे में हर समय सोचना शुरू कर दें। जब आप अच्छी चीजें सोचना शुरू करते हैं तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए अच्छी चीजें ला के देना शुरू कर देती है। आप अभी से शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें। ऐसे तब तक करते रहें जब तक कि आपके जीवन में उजाला ना आ जाए, जब तक कि आपके जीवन से अंधेरा गायब ना हो जाए। कई लोग अभी गहरी निद्रा में हैं क्योंकि अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमता और असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना तक उठा सकता है और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता। इसी प्रकार मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक वह चुंबकीय मनुष्य है जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है। वह जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। और एक वह मनुष्य है जो चुंबकीय नहीं है, वह डर से भरा हुआ है, शंकित है, दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अपना धन गंवा सकता हूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह के मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते। इसलिए दोस्तों, आप अगर आगे बढ़ना है तो आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व बनिए, चुंबक बनिए, जन्म जन्मांतर के इस गूढ़ रहस्य को समझिए और महारत हासिल कीजिए। सफलता आपको आपका इंतजार कर रही है। आप सफल होने के लिए बने हैं, आप असफल होने के लिए नहीं बने हैं। आप धन कमाने के लिए बने हैं, सफल होने के लिए बने हैं, स्वस्थ शरीर के लिए बने हैं, स्वस्थ मानसिकता के लिए बने हैं। तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाइए। धन्यवाद।